हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक स्टॉक विद विजय में। मैं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहाँ करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, आज हम जिस कॉमिक्स किरदार के बारे में आपको बताने वाले हैं वो है राज कमल का पहला मैजिशियन सुपर हीरो जादूगर। जी हाँ, यही नाम है उस किरदार का, जो कि राज कमल में केवल 4 या 5 कॉमिक्स के लिए ही आया था और उसने 90 के दशक में अपनी छाप हम पर छोड़कर गई थी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ कॉमिक्स रिलेटेड और भी कई सारी वीडियो हमने अपने चैनल में डाल रखी हैं, उनकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, वो वीडियो ज़रूर देखें और हमें बताएँ कि वीडियो कैसी बनी है। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, राज कॉमिक्स में जादूगर की एंट्री अगस्त 1993 में प्रकाशित कॉमिक्स इंसाफ का खुदा इशू नंबर 480 में हुई, जिसके लेखक थे टीकाराम सिप्पी और चित्रांकन था विनोद कुमार का। जादूगर कोई स्थापित सुपर हीरो नहीं था, वह भी गोल्ड हार्ट की तरह ही 4 या 5 कॉमिक्स की एक सीरीज वाला अस्थायी किरदार ही था। इंसाफ की खुदा कॉमिक्स से जादूगर की ओरिजिन सीरीज शुरू होती है, जो कि खूनी ब्रिगेड कत्लेआम और फिर खून मांगे खून कॉमिक्स में समाप्त होती है। इसमें बताया जाता है कि कैसे भारत के एक माफिया डॉन जंग बहादुर सिंह द्वारा भारत में अपने खूनी ब्रिगेड के द्वारा आतंक व कत्लेआम फैलाया हुआ है, जिसका राज उसकी पत्नी सुमित्रा देवी को पता चलते ही वह वहां पुलिस को बताने वाली होती है, लेकिन उसे जंग बहादुर सिंह कैद कर लेता है। लेकिन कैद होने से पहले अपना संदेश वह अपने बेटे डॉक्टर विजय बहादुर सिंह और जादूगर तक पहुँचा देती है, जिसके बाद जादूगर अपनी माँ की तलाश पर निकलता है। जादूगर के द्वारा उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक खूनी ब्रिगेड का सफाया करते हुए जंग बहादुर सिंह के चारों आदमी मैक, जोहान, जिंगारो और रेडी का खात्मा करते हुए अपने पिता जंग बहादुर सिंह से आमने सामना करता है। इसी बीच एक खुलासा होता है कि दरअसल अपराधी जंगी द्वारा जंग बहादुर सिंह का रूप लेकर यह सब किया धरा है। इसी बीच जादूगर के पिता व माँ की भी मौत हो जाती है, परंतु जादूगर द्वारा सबको सजा देकर खूनी ब्रिगेड का समापन किया जाता है। जादूगर की कॉमिक्स में खूनी ब्रिगेड, इंसाफ का खुदा, कत्लेआम व खून मांगे खून में उसकी यात्रा उसके पिता को पकड़ने और माँ को छुड़ाने पर बेस्ड था। जादूगर की 5वीं और अंतिम कॉमिक्स इशू नंबर 521, कॉमिक्स का नाम जादू जादू, जो कि मई 1994 में प्रकाशित हुई। जादूगर का सामना हुआ अपने ही जैसे जादूगर चिंकारा से। जादूगर की प्रमुख शक्तियों में से एक है उसकी सबसे बड़ी सम्मोहिनी शक्ति, साथ ही उसके साथ उसका एक साथी जिन्न भी है, जिसका नाम है तूफान। कॉमिक्स में अक्सर यह पढ़ने को मिला कि तूफान न कोई जानवर है न इंसान, तूफान तो बस तूफान ही है। कॉमिक्स में एक्शन की जिम्मेदारी तूफान के हिस्से में आई थी। जादूगर का सफ़र 5 कॉमिक्स तक ही सीमित रहा, जिसके बाद वह किसी कॉमिक्स में दिखाई नहीं दिया। यूँ तो उसका पोटेंशियल काफ़ी था, पर शायद लोकप्रियता में खास वृद्धि नहीं होने के कारण उसे ज़्यादा आगे कंटिन्यू नहीं रखा गया। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो आपको राज कॉमिक्स में जादूगर के बारे में बताने के लिए। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जरा से भी पसंद आता है इसे लाइक ज़रूर करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही साथ ऐसी और भी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या कोई सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही साथ हमें ये भी बताएं कि आपको ये सुपर हीरो ओरिजिन सीरीज कैसी लग रही है। दोस्तों, इसलिए आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको ये बताते चलें कि अगली वीडियो हम बनाने वाले हैं राज कॉमिक्स के किरदार प्रेत अंकल के बारे में। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।